हेलो एवरीवन वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग आर क्लर्क का मेंस का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये जो पेपर है ये पिछले कुछ सालों के पजल्स पूछे गए पजल्स का यहाँ पर सेट बनाया गया है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्योंकि आपका जो आर आर क्लर्क का एग्जाम आने वाला है उसके लिए काफ़ी आपको फिर ये यूजफुल रहेगा ठीक है स्टार्ट है, है? करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से उससे पहले मैं आपको बता दूँ ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कंप्लीट टीचरिंग कोर्स मिलेगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टार्टिंग से जाते हैं आप हाई लेवल तक तो आपको यहाँ पर पूरा प्री और मेंस लेवल का पूरा कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा और इसमें आपसे जो भी क्लासेस हैं वो बहुत अच्छी लेवल की बनाई गई हैं कॉन्सेप्चुअल बेस बात की गई है टॉपिक वाइज सारी क्लासेज हैं हाई लेवल की पज़ल है और यहाँ पर हर टाइप का क्वेश्चन रखा गया है पदल की अगर हम बात करें तो मेंस लेवल की थर्टी प्लस वीडियोस अलग से हैं और प्री की जो कोर्स में है वो अलग से हैं वहाँ पर इलेवन टाइप की पदल बात की गई है और इलेवन क्लासेज में हर टाइप में थ्री पदल को तो सॉल्व किया गया है फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल ठीक है तो वहाँ पर भी आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेंगी और मेन्स में आप सीखोगे कि मेन्स में बदल कैसे आते हैं उनको सॉल्व कैसे करना है तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से ठीक है आप आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कोरिट बी का यहाँ पर हमको बोला गया कुछ सिम्बल्स यूज़ किए गए जब भी कोरिट लैंग्वेज यूज़ की गई होगी तो कोरिट को किस तरह यूज़ किया गया वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा होगा अब जैसे यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि पी हैश क्यू का मतलब है कि पी इज द सन ऑफ क्यू ऐसे एट द रेट का मतलब है कि क्यू ये को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है कि सब में पी से स्टार्ट नहीं हो रहा है क्यू इज द चाइल्ड ऑफ पी यहाँ पर इसका मतलब है कि वो उसका चाइल्ड है कौन है क्यू है पी नहीं है P कॉपी राइट्स क्यू का मतलब है P इज द पेरेंट ऑफ Q राइट P एस्ट्रिक Q का मतलब है P इज द हजबेंड ऑफ़ Q और right? परसेंटेज का मतलब है P इज द वाइफ ऑफ Q तो ये तो हमें एक कोरियर लैंग्वेज दे रखी है इसमें इसका मतलब ये ये बताया गया है अब क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि इसको आप सॉल्व करो और बताओ कि हाउ देन वाई इज रिलेटेड टू जेट Y to, to T. Y किस प्रकार संबंधित है टी से हमें यह बताना है तो पहले हम इस कोर्ट की हेल्प से ये वाला अपना निकालेंगे कि क्या उल्टा है तो क्या हो जाएगा बी इज द चाइल्ड ऑफ वाई ये हो जाएगा इसका मतलब कि जो वी है जो बी है वो y का चाइल्ड है पता नहीं कि जो चाइल्ड का मतलब कि वो मेल होगा या फीमेल होगा ये यह हमें यहाँ पर नहीं दे रखा है ठीक है अच्छा फिर क्या दे रखा है फिर लिखा है बी एस्ट्रिक क्यू बी एस्ट्रिक क्यू में यहाँ पर देखो ये वाला पर बोल रहे हैं हस्बैंड ऑफ बी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू मतलब क्यू उसकी वाइफ हो जाएगी उसके बाद बोला है क्यू कॉपी राइट टी जो कि यहाँ पर लिखा है क्यू कॉपीराइट टी का मतलब क्या है क्यू इज दी है ना क्यू इज दी का मतलब हो गया क्यू जो इनका पेरेंट है वो क्यू का जो है वो क्यू है अब टी नहीं पता कि टी कौन है ठीक है की मतलब मतलब तो यहाँ मतलब हो गया टी वाइफ है ई की जब टी क्या है ई की वाइफ है तो इस तरह से कुछ होगा ठीक है ई मेल हो जाएगा फिर लास्ट में बोल रहे हैं एफ एट द रेट बी जो कि ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या उल्टा है मतलब बी जिससे खत्म हो रहा है उससे स्टार्ट करना है बी इज द चाइल्ड ऑफ एफ बी इज द चाइल्ड ऑफ एफ मतलब बी जो है वो एफ का चाइल्ड इसका मतलब एफ कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा बट हमें यहाँ पर एफ और वाई का जेंडर नहीं क्लियर है कि एफ कौन है और वाई कौन है वाई मेल है या फिर एफ मेल है ठीक है ये बात कंप्लीट हो गई हमने इसको बना लिया पूछ रहे हैं कि होना बहुं बहुं जो है वो भी सकता है, टी का और आंसर है तो आंसर तो क्या हो जाएगा सी कर देंगे सी डी राइट तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब प्री में आता तो प्री में डायरेक्टली पूछते कोरिड नहीं पूछते मेंस में आया है तो कोरिड ही आएगा आपके अगर में बी आर का क्वेश्चन आता है तो चाहे बी आर का है चाहे डायरेक्शन का है, वो लैंग्वेज में ही आपसे पूछा जाएगा तो आपका, अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी तो आप इजिली उसको बना पाओगे तो यहाँ पर जो मैंने अभी कोर्स के बारे में बताया उसमें हमने यहाँ पर बेसिक के साथ साथ यहाँ इस लेवल तक के क्वेश्चन की बात की गई है हर टॉपिक में तो आपको प्री प्लस मेन्स का पूरा यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि फिर से, से मतलब एक कोड दे रखा और हमसे इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है तो पहले हमें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा एच एड एस्ट्रिक एम तो यहाँ पर आ रहा है एच इज द हस्बैंड ऑफ एम हो जाएगा मतलब एच इज द हस्बैंड ऑफ एम ठीक है इस तरह से हो जाएगा कुछ फिर एम कॉपी राइट ओ ये लिखा हुआ है मतलब M से स्टार्ट करेंगे एम इज द पेरेंट ऑफ ओ राइट तो एम इज द पेरेंट ऑफ ओ इस तरह से कुछ बना देंगे फिर ओ एस्ट्रिक एन तो यहाँ पर लिखा है ओ इज द हजबेंड ऑफ एन तो ओ क्या हो जाएगा हसबेंड हो जाएगा किसका एन का एन वाइफ हो गई एन एट द रेट जेड मतलब यहाँ पर जेड से खत्म होगा जेड इज द चाइल्ड ऑफ एन ठीक है जेड क्या हो जाएगा इनका चाइल्ड हो जाएगा तो इस तरह से हमारा ये बन गया डायग्राम ये हम बोल सकते हैं फैमिली ट्री अब पूछ रहे हैं आगे द एज ऑफ जेड इज नाइन ईयर अगर जेड की एज कितनी है नौ साल की है एंड द एज ऑफ एच एच की एज कितनी है फोर्टी फाइव ईयर्स है तो हमसे पूछ रहे हैं प्रोबेबल एज ऑफ एन एन की एज कितनी होगी एन की एज पूछ रहे हैं अब देखो एन की एज क्या होगी इन दोनों के बीच में लाई करेगी नौ से तो ज्यादा ही होगी कि नौ जो वाला पर्सन है वो उसका बेटा या बेटी या चाइल्ड है उसका और एस जो है वो उसके फादर इन लॉ है तो ऑब्वियसली बात है एन की जो एज होगी वो फोर्टी फाइव टू नाइन यहाँ पर वेरी करेगी अब पहला ऑप्शन लिखा है फोर्टी नाइन जो कि पॉसिबल नहीं है इनसे बड़ा तो नहीं हो सकती ट्वेंटी वन कैन बी द आंसर ट्वेंटी वन पॉसिबल है फिफ्टी टू भी बड़ा है वो पॉसिबल नहीं है सिक्सटी एट बड़ा है पॉसिबल नहीं है और सिक्स ईयरस तो नाइन से भी कम हो जाए जो कि पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या होगा एन की एज कितनी हो सकती है पॉसिबल एज ट्वेंटी वन ऑप्शन यहाँ पर हम टू टिक कर देंगे ट्वेंटी वन ईयर इज द राइट आंसर ईयर राइट इस तरह से हमें इनको सॉल्व करना था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आई आइयो समझ में आ रहा होगा आपको आप एक बार जरूर से इसको कॉमेंट करके बताएं कि हाँ आप, आपको समझ में इनकी ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छा यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहे हैं ये हमें सॉल्व करना है फिर बताना है कि ए की ई e किस प्रकार संबंधित है किससे ए से ठीक है चलो सॉल्व करते हैं फर्स्ट पूछा जा रहा है कहा जा रहा है A C. मतलब क्या हो गया इज द चाइल्ड ऑफ ए मतलब सी इज द चाइल्ड ऑफ ए इस तरह से कुछ होगा फिर सी सी एसटिक डी यहां पर लिखा हुआ है सी इज द हस्बैंड ऑफ डी मतलब सी मेल है हस्बैंड ऑफ डी हो जाएगा यहाँ पर डी इज फीमेल हेयर राइट फिर डी कॉपी राइट ई मतलब क्या हो गया D is the parent of E, right? तो E क्या हो जाएगा इनका चाइल्ड अभी ये नहीं पता कि E कौन है मेल फीमेल कुछ भी नहीं पता उसके बाद लिखा है E परसेंटेज G, मतलब E is the wife of G, तो E क्या हो गई फीमेल और G क्या हो गया मेल हो गया राइट right? इस तरह से कुछ बनेगा अब आप क्या पूछ रहे हैं इधर हाउ E रिल टू A? e किस प्रकार संबंधित है A से देखो e यहाँ पर क्या है A का हमसे e के बारे में पूछ रहे हैं ना e का जेंडर पता है हमको ए इज फीमेल है राइट तो ए का चाइल्ड और उसका फिर चाइल्ड तो क्या हो गया ग्रांड चाइल्ड ग्रांड चाइल्डर क्लियर है तो ग्रांड डॉटर ग्रांड डॉटर इज राइट आंसर हेयर अगर हमसे ए पूछते तो हमें नहीं बता दो ए का यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है बट यहाँ पर ई का तो क्लियर है ना तो ई हमसे पूछ रहे हैं तो ई का आंसर हो गया ग्रांड डॉटर रेट इज ऑप्शन यहाँ पर हम टू टिक कर देंगे ग्रांड डॉटर फाइन इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना था आगे देखते हैं आगे हम इधर रखिये पजल पूछ रहे हैं देयर आर नाइन पॉक्सेस नौ बॉक्सिस पी क्यू आर एस सी डब्ब्ल्यू एक्स दे आर प्लेसेस अवर एक दूसरे के ऊपर रखे गए नोट डाउन करेंगे यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो पी है वो जस्ट ऊपर है किसके यू के है देर आर टू बॉक्सिस गैप बिटवीन क्यू एंड यू क्यू और यू में दो बॉक्स का गैप है देर आर थ्री बॉक्सेस गैप बिटवीन टी एंड एस टी और एस में तीन का गैप है राइट देर आर थ्री बॉक्स गैप बिटवीन टी एंड एक्स तो टी और एक्स में भी गैप है इसका मतलब पता लग गया कि टी बीच में होगा एक्स और या फिर एस में से तो कोई एक ऊपर होगा और एकस और तो कोई एक नीचे होगा टी बिल्कुल कहां पर होगा मिडल में होगा इस तरह से हमें ये चीज पता लग चुकी है फिर देयर इज वन गैप वन बॉक्स गैप बिटवीन आर एंड क्यू आर और क्यू में एक ही बॉक्स का गैप है देयर आर मोर देन थ्री बॉक्सेस बिटवीन पी एंड आर पी और आर में कितने हैं तीन बॉक्सेस से ज़्यादा हैं पी और आर में ठीक है द नंबर ऑफ बॉक्सेस अवव डब्ल्यू डब्ल्यू से ऊपर जितने बॉक्सेस हैं वो एक ज़्यादा हैं किससे डब्ल्यू वी से जितने भी यहाँ पर कम हैं ठीक है देर आर मोर देन थ्री बॉक्सेज गैप बिटवीन एस एंड वी एस और वी में तीन से ज़्यादा का गैप है एंड बॉक्स डब्ल्यू वॉज प्लेस्ड अब बी अबव वी डब्ल्यू जो है वो वी के ऊपर रखा गया हमें यहाँ पर इतनी कंडीशन उन्होंने दे रखी थी अब हमें क्या करना है इन कंडीशन को मर्ज करते हुए यहाँ पर इसको सॉल्व करना है सबसे पहले हम बात ये आती है कि स्टार्ट कहाँ से करनी है अगर आप स्टार्ट सही जगह से करोगे तो आप बना लोगे अब देखो मैंने आपको बताया कि टी और एस तो पता लग चुका हमको टी बीच में आना है और एस या फिर एक्स में से कोई एक चीज़ ऊपर आनी है और कोई एक चीज़ नीचे आनी है बट हमें इसके अलावा ना तो टी से लिंक करते हुए पता है ना ही एस और एक्स से लिंक करते हुए कुछ पता है तो हम इसको यहाँ से तो स्टार्ट नहीं कर सकते हमें स्टार्ट करना पड़ेगा इसको पी और यू से ही तो हमने मान लिया कि पी और यू कहीं पर भी आते हैं पी इसकी जस्ट ऊपर है अब ये कंप्लीट बात हो गई यहाँ से अब बोल रहे हैं कि जो क्यू है और जो यू है उनके बीच में दो का गैप है तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं इसकी क्या क्या, क्या बनती है एक तो ये बनती है कि क्यू कहाँ पर हो दो गैप पर नीचे हो एक हो सकता है वन और टू गैप पर कहाँ पर हो ऊपर हो ठीक है दोनों बना लिया हमने अभी टी और एस सेट नहीं करेंगे अब अब यहाँ बोल रहा है आर और क्यू में वन का गैप है तो आर नीचे तो पॉसिबल नहीं है तो वन के गैप पर आर ऊपर आएगा इसमें इसमें दो जगह हो सकती है आने की या तो और यहाँ पर आ सकता है या फिर एक गैप पर नीचे आप यहां पर आ सकता है ठीक है लेकिन आगे यहाँ पर देखो लिखा है कि पीओर आर में प्लस तीन मतलब मोर देन थ्री लोग होने चाहिए अब अगर मैं आर को यहाँ पर रख लूंगी अगर आर को मैं यहाँ पर रखूंगी तो पियोर आर में केवल और केवल एक पर्सन रहा है जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है इसका मतलब मुझे पता लग गया कि मुझे आर को कहाँ रखना है आर को मुझे रखना है यहाँ पर तभी पियोर आर में तीन से ज्यादा लोग हो पाएंगे अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर एक दो तीन ही हो रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं मोर देन थ्री तो ये भी पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाती है कैंसिल आउट हो जाती है इस तरह से यहाँ पर ये यह तो हो गई कैंसिल आउट ठीक है इसको रेस कर देते हैं मतलब जो राइट आंसर है वो हम यहाँ से ही मिलेगा और क्यों हमने सेट कर दिया पी और आर हमने सेट कर दिया कितने लोग हो गए हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात लोग हो गए हैं आठ और नौ दो लोग और आने हैं और कंप्लीट हो जाएंगे हमारे ठीक है अच्छा और हमें यहाँ पर क्या रख सकते हैं और जो तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि टी जो है वो बीच में होना है एग्जैक्ट बीच में होना है तो अगर हम अभी बात करें एक सात लोग हो चुके हैं अगर हम एग्जैक्टली बीच की बात करें तो एक दो तीन चार ये हो जाएंगे यहाँ पर है ना और यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है फिर टी रख पाना अगर हम यहीं से काउंट करते हैं यहाँ पर तो क्योंकि क्यों आया हुआ, हुआ है इसका मतलब नीचे से अगर हम काउंट करें तो वन टू तो, थ्री फोर तो टी यहाँ पर आ सकता है फिर दो गैप पर हो सकता है ऊपर हो ठीक है या फिर हो सकता है एक गैप पर यहाँ हो एक गैप यहाँ हो तो नौ हमारे पास पता लग गए नौ ये होगा और टी बीच में आ गया एक तो ये हो सकता है या फिर एक ये वाला कंडीशन जो बन रही है वो ये हो सकती है क्या हो सकती है अगर हम वन टू थ्री फोर यहाँ पे टी रख लें और एक दो तीन चार इस तरह से नौ लोग हो सकते हैं अब हमें ये भी ये नहीं पता है कि एक्स हमें और एस हमें कहा लेना है एक्स और एस ऊपर आएंगे लेकिन अगर हम टी यहाँ लेंगे तो वन टू थ्री गैप पर एस यहाँ पर तो आ चुका है इसका मतलब इसी वाले से हमें आंसर मिलना है ठीक है यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं था आप आना अब इसमें ही हमें यहाँ पर मिलना एक यहाँ पर क्या आएगा तो या तो एस या फिर एक्स और ऊपर भी या तो एस या फिर एक्स जो भी आएगा वो हम यहाँ पर रख लेंगे अब दो जगह बच रही है डब्ल्यू और वी आने की है ना यहाँ पता है डब्ल्यू जो है वो वी के ऊपर आना है डब्ल्यू यहाँ पर आ गया और वी यहाँ पर आ गया अब यहाँ पर ये भी बात बोली गई थी कि डब्ल्यू जितने वी से नीचे हैं उसमें एक प्लस करोगे डब्ल्यू की पता लग जाएगी संख्या है तो कितने वी संचित दो हैं डब्ल्यू से ऊपर कितनी है एक दो तीन ये भी बात यहाँ पर कम्प्लीट हो जाती है करेक्टली बन रहा है इसका मतलब कंडीशन सही आ रही है इसका मतलब हम सही बना रहे हैं अब बात रह गई वी एक्स और एक्स रखने की एस कहाँ पर आना है और एक्स कहाँ पर आना है तो एस यहाँ पर बोला गया कि एस और वी में प्लस थ्री लोग होने हैं अब वी यहाँ पर है तो यहाँ पर तो एस इसका मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसका मतलब यहाँ पर तो क्या आएगा नीचे क्या आ जाएगा फिर एक्स आ गया नीचे क्योंकि एस और वी में तीन से ज्यादा लोग लेने हैं तभी नीचे लेंगे तो एक ही आ पाएगा तीन तो आ नहीं पाएंगे तो एस यहाँ पर लेंगे ये हो गया हमारी सॉल्व कंडीशन क्वेश्चन क्या दे एक्स में कितने लोग हैं क्यू ये दो लोग है तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर टू टिक कर देंगे राइट right? फिर पूछ रहे हैं बॉटम मोस्ट पर कौन है बॉटम मोस्ट पर एक्स है दिख रहा है हमको फोर ऑप्शन टिक कर देंगे फिर पूछ रहे हैं कुछ ग्रुप बन रहा है चेक करना पड़ेगा एस और यू हो गया ठीक है वन गैप पर है डब्ल्यू और क्यू वन गैप पर है ये भी वी और एक्स ये वन गैप पर है देन क्या आ रहा है आर और एक्स तो आई थिंक ये अलग होगा फिर यू और टी भी क्या है गैप पर है तो आर और एक्स अलग होगा, तो ऑप्शन फोर यहाँ पर हम टिक कर देंगे फिर पूछ रहे हैं अगर हम एस और वाई एस डब्ल्यू पोजिशन को चेंज कर दें यहाँ डब्ल्यू लिख दें यहाँ पर क्या लिख दें एस लिख दें तो पूछ रहे हैं क्यू और एस में कितने लोग हो जाएंगे क्यू और एस में कितने लोग हो गए फिर तो एक ही पर्सन है तो ऑप्शन यहाँ पर हम टू टिक कर देंगे मतलब पर्सन तो वन है बट ऑप्शन यहाँ पर हम टू टिक करेंगे राइट नेक्स्ट नेक्स्ट हम इधर रखिए पजल बोला जा रहा है ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ पर सात स्टूडेंट्स हैं इन द सेम क्लास एक ही कक्षा के छात्र हैं दे एंड ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट हैविंग डिफरेंट हाइट हर किसी की जो है हाइट अलग अलग है इनकी ऊंचाई हर किसी की अलग अलग है दे और आ अरेज अकॉर्डिंग टू देयर हाइट ये अपनी ऊंचाइयों के अनुसार लगाए गए हैं फ्रॉम डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम मतलब बढ़ते मतलब बड़े से छोटा लगाया गया डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा लगाया गया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ठीक है तो यहाँ से बेसिक बात तो क्लियर हो गई भाई सात लोग हैं एक दो तीन चार पाँच छ और सात बढ़ते हुए बढ़ते हुए नहीं है डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा क्रम में लगाया गया मतलब घटता हुआ क्रम बोलेंगे इसको हम बोल रहे हैं ओनली टू स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन सी सी से छोटे केवल दो लोग हैं तो सी यहाँ पर होगा दो लोग छोटे हो गए फिर बोल रहे हैं एफ इज चोटर देन जी एफ जो डी से बड़ा है एंड शॉर्टर देन एंड शॉर्टर किससे डी से है राइट right. अब बोल रहे हैं डी जो इसका मतलब डी से पहले भी कोई पर्सन आएगा टॉलस नहीं है वो फिर नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं ए इज टॉलर देन ई जो ए है वो टॉलर देन है किससे ई से एंड शॉर्टर देन किससे बी से राइट फिर बोल रहे हैं जी शॉट टॉलर देन सी जी जो है वो सी से बड़ा है चलो यहां से पता लग गया हमको सी से हमें इधर रखना है और यहां पर डी आएगा नहीं इसका मतलब डी यहाँ पर आएगा एफ यहाँ पर आएगा और जी यहाँ पर आएगा तो ये बात कंप्लीट हो गई फिर क्या बोल रहे हैं बी ए और ई e लिखना है लाइन से तो बी आ गया ए ए आ गया और ई e ए आ गया राइट फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ तक कंप्लीट हो गया बोल रहे हैं डी इज हाइट इज थ्री टाइम्स देन ए हाइट डी की जो हाइट है वो ए की हाइट से तीन गुणी अगर ये एक्स है तो ये कितनी हो जाएगी थ्री एक्स हो जाएगी ठीक है फिर बोल रहे हैं ई e की हाइट जो है वो फोर्टी है ई की हाइट फोर्टी है चलो और जो कि जो फोर्टी है वो किसकी है विच इज एटी परसेंट ऑफ एज हाइट तो निकाल लो एक्स की हाइट का कितना एट्टी परसेंट किसकी इक्वल है फोर्टी के इक्वल है इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ गई पचास इसका मतलब एक्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई ए की हाइट होगी गई पचास सेंटीमीटर और पचास का तीन गुना करना है मतलब एक सौ पचास वो कितनी D आ गई डी की हाइट आ गई इस तरह से हमने जो भी हमें दे रखा था उनकी हमने हाइट यहाँ पर फाइंड आउट कर ली बाकी हमें किसी की हाइट यहाँ पर नहीं बताया बस बता हमें ये बताया कि घटते क्रम में है बी की हाइट जो भी होगी वो एक सौ पचास से ज़्यादा ही होगी और ई e और एफ की जो भी हाइट होगी वो पचास और एक सौ पचास के बीच में होगी मतलब ई e, ए

सबके सब बीच के ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर कुछ भी साठ ही पॉसिबल है साठ हो और इन दोनों की पचास साठ के बीच में हो सत्तर भी हो सकती है अस्सी भी हो सकती है नब्बे बी का द आंसर तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर फाइव टिक कर देंगे सी एंड क्योंकि हम एग्जैक्टली हाइट नहीं बता सकते नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टॉलर देन बी बी से हाइट से बड़े कितने भी तो सबसे बड़ा है इससे बड़ा कोई है नहीं तो नन टिक कर देंगे ऑप्शन टू इज राइट है नन तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस जो कि हमने सॉल्व करें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे आई आ क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन के आप प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम में और इससे एक लेवल प्लस भी सॉल्व करिए जो कि हम अभी थोड़े दिन बाद इसके आर आर बी पी ओ के पेपर सॉल्व कर रहे जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और उसके अलावा यहाँ पर मेन्स सीरीज चल ही रही है मेन्स पजल्स की तो वो भी आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें हम यहाँ पर इस लेवल्स तो बहुत ही अच्छा लेवल सॉल्व कर रहे हैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे तो आप सीरीज़ फॉलो करिए और टाइगर चैनल ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर तो आपको सारी वीडियोस की लिंक और इन जो सभी मैं आपको मेन्स के बारे में बताया उन सभी मेन्स जो पजल्स हैं उनकी उनकी सारी लिंक सारी अभी तक हम लोग काफ़ी सारे क्लासेस कर चुके हैं मतलब पंद्रह क्लासेस से ऊपर चल रहा है हमारा तो आप वो लाइन से देख सकते हैं वहाँ पर सारी लिंक अवेलेबल हैं चैनल में जाए टेलीग्राम चैनल पर ठीक है मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोज में थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे